अच्छा, स्ट्रक्चर हम पहले भी देख चुके हैं सर, थोड़ा बहुत तो आइडिया है ही कि कौन कौन सी लेयर है। हाँ, एक कौन कौन सी है? हाँ, एक तो क्रस्ट हो गया, क्रस्ट क्रस्ट के नीचे सेकंड नंबर पे क्या है? मेंटल। और थर्ड नंबर पे है कोर। ठीक है, ये तुमको ऐसे कभी समझ नहीं आएगा, विदाउट मैप तुमको ये चीज समझ नहीं आएगी। तो फर्स्ट ड्रॉ अ मैप। मैप देखो तुम कैसे भी बना सकते हो, अगर तुमसे बन सकता है 3D टाइप तो बना लेना। देखो इसकी दूरी लिख लेना, ये 5,100 किलोमीटर तक है। और जो मेंटल है 2,900 किलोमीटर। ठीक है, और जो क्रस्ट है वो 0 से लेके 100 मीटर तक, 100 किलोमीटर तक। ठीक है, ठीक है। तो स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, सबसे पहले क्रस्ट, मेंटल और कोर। तो सबसे पहले क्रस्ट की बात करते हैं। तो क्रस्ट जिस पर सारे लैंड फॉर्म्स हैं, ठीक है, जिस पर माउंटेन्स है, प्लेन्स है, प्लेटोज है, जिस पर सारी चीजें क्या है अवेलेबल है, जिस पर हम जिस पर ह्यूमंस रहते हैं, जिस पर ऑल काइंड ऑफ एनिमल्स जो है रिसाइड करते हैं, वो क्या है? क्रस्ट। और क्रस्ट की जो वो है, थिकनेस है ये, अच्छा, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ओशनिक क्रस्ट और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है वो थिक है और ओशनिक क्रस्ट जो है वो थिन है एज कंपेयर टू कॉन्टिनेंट। ठीक है, इनकी थिकनेस वेरी करती है। जैसे कि कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की जो थिकनेस है वो 30 किलोमीटर के आसपास है। ठीक है, इतनी थिक है ये, 30 किलोमीटर थिक। और जो ओशनिक क्रस्ट है वो 5 किलोमीटर थिक है। ठीक है, इट मींस क्या है कि ओशियंस जो है वो न्यूली फॉर्म्ड है, ठीक है, और ओशनिक क्रस्ट जो है वो यंग है, वो ज्यादा पुरानी नहीं है। द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट इज थिकर एरियाज ऑफ मेजर माउंटेन। देखो जहां पर भी माउंटेनियस रीजन है वहां पर कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जो है इसकी थिकनेस ज्यादा है। ठीक है, सही लिखा है, इसकी थिकनेस क्या है? ज्यादा है, मोर है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की, जहां पर माउंटेन्स है। जिसके माउंटेन्स मीन्स के फॉर इंस्टेंस हमारे हिमालयाज है, तो हिमालयाज में जो है इसकी थिकनेस ज्यादा है एज कंपेयर टू इंडियन ओशन या बे ऑफ बंगाल। और हिमालयाज के आसपास जो इसकी थिकनेस है ये 70 अप टू 70 किलोमीटर तक है। ठीक है, फिर आता है मेंटल। तो बेटा जस्ट क्रस्ट के नीचे ही मेंटल है, और मेंटल की जो वो है डेप्थ है वो 2,900 किलोमीटर है। इसकी जो कितनी गहराई पे है? 2,900 किलोमीटर पे। और इसको जहां पर मेंटल प्रेजेंट होता है इसको एस्थेनोस्फेयर भी कहते हैं, एस्थेनोस्फेयर। और यहां पर एक रीजन है, जहां से एस्थेनोस्फेयर स्टार्ट होता है, यहां से डेप्थ इंक्रीज हो जाती है, तो इसको कहते हैं मोहो डिसकॉन्टिन्यूटी।
मोहो डिस्कॉन्टिन्यूटी। ठीक है, तो इसका याद रखना मेंटल कितनी डेप्थ पर है, 2900 किलोमीटर, और ये मोहो डिस्कॉन्टिन्यूटी के जस्ट नीचे है। इसका दूसरा नाम एस्थेनोस्फेयर है, और एस्थेनो मीन्स वीक, इट मीन्स के यहाँ पर जो रॉक है, कुछ भी जो भी अवेलेबल है वो वीक है। ठीक है, एस्थेनोस्फेयर मतलब वीक, रॉक का एरिया। ठीक है, एस्थेनो मीन्स वीक, वीक मीन्स कमजोर। ठीक है, यहाँ पे जो भी रॉक वगैरह होंगे वो कमजोर होंगे। ठीक है, और इसे इसी जगह को बेटा सोर्स ऑफ मैग्मा माना जाता है, सोर्स ऑफ मैग्मा। ठीक है, यही सोर्स ऑफ मैग्मा है, क्योंकि बेटा यही रॉक है जो सबसे ज्यादा वीक है। यहाँ पे जो भी मैग्मा या कोई भी चीज होती होगी, तो क्योंकि ये वीक है तो यहाँ से स्केप करके सरफेस पे आना आसान है। ठीक है, तो यही वो रीजन है जहाँ पे लावा और मैग्मा वगैरह बनता है। अब जैसे कि इसमें बेटा लिखा हुआ है, ये वाला पार्ट सॉलिड है और ये वाला पार्ट लिक्विड है, और क्रस्ट ऑब्वियस सी बात है, क्रस्ट क्या है, सॉलिड। तो बचा क्या, मेंटल। अब मेंटल क्या है, लिक्विड। तो यहां से तो बेटा वल्केनो नहीं आ सकते, वल्केनो में लावा वगैरह क्रस्ट पे तो है नहीं, तो कहां से आ रहा है फिर। तो इसका सोर्स जो है वो है मेंटल, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है ना कि कोर तो है सॉलिड फॉर्म में है और ये लिक्विड फॉर्म में। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है यहीं से आ रहा होगा। और एक और है इसमें याद रखना कि जो ये क्रस्ट है और मेंटल का जो अपर मोस्ट पार्ट है, ये दोनों लेयर, इन दोनों को मिलाकर कहते हैं लिथोस्फेयर। तो यहाँ पे आप लोगों को नए नए नाम थोड़े से लग रहे होंगे, कुछ कुछ नया है। एस्थेनोस्फेयर तो बेटा मेंटल को ही कहते हैं, जो मेंटल की लेयर होती है उसे एस्थेनोस्फेयर कहते हैं। क्यों, क्योंकि वीक रॉक से ये बना होता है, तो एस्थेनो मीन्स क्या होता है, वीक। ठीक है, क्योंकि लिक्विड फॉर्म में है इसलिए। और लिथोस्फीयर किसे कहते हैं, लिथोस्फीयर बेसिकली जो अपर मोस्ट पार्ट है क्रस्ट का, क्रस्ट और अपर मोस्ट पार्ट ऑफ मेंटल, क्रस्ट प्लस अपर मोस्ट पार्ट ऑफ मेंटल, इसको कहते हैं लिथोस्फीयर। ठीक है, अब थर्ड वन हमारा आता है कोर। तो कोर की जो डेप्थ है वो 2900 किलोमीटर से लेकर के कहां तक है, मतलब कोर कहां से स्टार्ट हो जाता है, यहां से यहां तक जो है ये पूरा कोर है 5100 किलोमीटर तक। और कोर सॉलिड फॉर्म में क्यों है, बिकॉज ये बना हुआ है हैवी मटेरियल से, हैवी मटेरियल। हैवी मटेरियल कौन कौन से, जैसे कि हम कोर को क्या रेफर करते हैं, नीफे। नीफे का मतलब क्या होता है, निकिल, और क्या होता है नीफे का मतलब, और आयरन। और इसे आयरन को हम एफ ई क्यू लिखते हैं, पता है तुम्हें, एफ ई क्यू लिखते हैं आयरन को, है तो आयरन, तो एन एन आई क्यू नहीं हुआ, एन एफ ई क्यू लिखा हमने, नीफे क्यों लिखा। देखो जो लैटिन अमेरिकन है लैंग्वेज, जब हम केमिकल्स का नाम रख रहे थे, जो एलिमेंट खोजे गए थे, जब हम उनका नाम रख रहे थे, तो कुछ एलिमेंट ऐसे थे कि उनका जो नाम था वो दो तीन एलिमेंट से सिमिलर हो रहा था। ठीक है, जैसे कि अगर हम Fe की बात करें, आयरन की बात करें, तो आई से आयोडीन भी है, तुमने नाम सुना होगा। ठीक है सर, तो आई से क्या है, आयोडीन भी है। तो अगर हम आयरन का भी आयोडीन आई रख देते और आयोडीन का भी आई रख देते, तो हमें कंफ्यूजन हो रहा था कि हम क्या करें। तो फिर जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या किया, जो केमिकल उस समय केमिस्ट्री में थे प्रिवलेंट साइंटिस्ट, उन्होंने क्या किया कि कुछ लैटिन अमेरिकन वर्ड ले लिया। लैटिन अमेरिकन वर्ड किसे कहते हैं, जो साउथ अमेरिका है वहां पे एक लैंग्वेज बोली जाती है, दैट इज लैटिन। ठीक है, तो वो उस लैंग्वेज के कुछ वर्ड ले लिए, जैसे कि इन लैटिन लैंग्वेज इसको आयरन को क्या कहते हैं, फेरस। नाम तो सुना होगा तुमने, फेरस।
तो इसलिए आयरन को हम क्या रेफर करते हैं, फेरस। और ऐसे ही बेटा तुमने ये भी देखा होगा केमिस्ट्री में, आप के लिखते हो पोटेशियम को, के लिखते हो लेकिन बोलते क्या हो, पोटेशियम, पोटासियम या पोटेशियम, ठीक है। तो के बेसिकली के लैटिन अमेरिका से लिया गया था और इसका था नाम केलियम, ठीक है, के फोर केलियम, लेकिन इसे बोलते हैं हम पोटेशियम। ठीक है, या पोटाश, सिंपल लैंग्वेज में पोटेशियम या पोटाश। सेम ऐसे ही सोडियम, ये केमिस्ट्री आ गई यहाँ पे, पर फिर भी मैं बता रही हूँ, सोडियम है तो एस से बना हुआ सोडियम, बट हम एन क्यों लिखते हैं, क्योंकि इसका नाम क्या था लैटिन अमेरिका में, नेट्रियम। ये बेटा अप टू एट्थ में ही तुम्हारी केमिस्ट्री में आ जाते हैं, ठीक है, नेट्रियम, और इसे बोलते क्या है हम, सोडियम। तो ये कुछ चीजें याद रखने वाली है कि हम निकेल और आयरन को निफे क्यों बोलते हैं, ठीक है। तो क्या हो गया ये, निकेल और आयरन, निकेल और फेरस, फेरस भी तुम इसको बोल सकते हो। और ऊपर की जो लेयर है वो किस किस की बनी हुई है, अगर हम यहाँ की बात करें, चलो ये तो रहने ही दो, क्रस्ट के, क्रस्ट को हम क्या कहते हैं बेटा, दूसरा नाम क्या है क्रस्ट का, सियाल, ये लिख लेना, सियाल, सियाल मतलब सिलिका और एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम, सिलिका और एल्यूमिनियम। मेंटल को हम बोलते हैं सीमा, सीमा मतलब सिलिका, सिलिका प्लस मैग्नीशियम, मैग्नीशियम, ठीक है। और कोर का तुम्हें अभी पता चला, चली गया, क्या बोलते हैं, निफे, निफे या फिर निकेल और आयरन प्लस आयरन, ठीक है। और इनकी याद रखना, चलो कोई नहीं, अब आगे देखो, ये समझ आया कुछ के, देखो जहां पर हम हैं दैट इज क्रस्ट, क्रस्ट ज्यादा गहरी नहीं है, ये सिर्फ 0 से लेके 100 किलोमीटर है, तो मतलब हम खुदाई भी कर सकते हैं, तो 100 किलोमीटर के अगर नीचे जाएंगे तो उतनी डेप्थ तक हम नहीं जा सकते। इसलिए खुदाई करते समय ज्यादा डेप्थ तक क्यों नहीं जा सकते, एक तो बेटा ऑक्सीजन लेवल नीचे चला जाता है सारा, नीचे ऑक्सीजन नहीं है, ठीक है, कुछ टॉक्सिक गैसेस, जैसे कि अगर माइंस की भी तुम बात करो तो तुमने देखा होगा कोल माइंस हैं या गोल्ड माइंस है, कोई सी भी माइंस हो, कोई भी माइंस खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि वहां पर जहरीली गैस होती है, मिथेन है, टॉक्सिक गैसेस, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो क्रस्ट जो है वो 0 से 100 किलोमीटर थिक है, हमें कैसे पता चलता है कि नीचे लिक्विड है, उस जस्ट उसके मेंटल, कोई मेंटल भी है या उस वहां पर कुछ लिक्विड है, किससे पता चलता था हमें, वोल्केनो से, ठीक है, क्योंकि जो इरप्शन होता है वो यहीं से आता है, जो भी वोल्केनिक इरप्शन होता है, लावा होता है, वो यहीं से आता है, ठीक है। और ये इसका हमें तभी पता चला कि ये कैसी अवस्था में है, लिक्विड में, ठीक है, और कोर किसनी में है, सॉलिड में। तो इनकी बस ये भी याद रखना कि 0 से 100 किलोमीटर क्रस्ट है, ठीक है, 2900 किलोमीटर दीप तक एस्थेनोस्फेयर या ये मेंटल है, और कोर कितना है, 2900 से लेकर के 5100 तक, ठीक है, ये मेंटल। तो यहाँ तक बिल्कुल क्लियर है। और ये भी याद रखना कि जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है वो थिक होती है अप टू 30 किलोमीटर, और जो ओशनिक क्रस्ट है वो थिन होती है, इसकी सिर्फ डेप्थ कितनी होती है, इसकी 5 किलोमीटर, ठीक है। और ये याद रखना कि कितनी कितनी उसमें डिवाइडेड है, सियाल में, सीमा में और निफे में, ठीक है, सियाल, सीमा और निफे, इतना याद रखना।